Spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right, shorty look good in the moonlight, so why you so bad, my, spotlight, moonlight. सो हेलो 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 गाइस, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल के आर इरफान ऑफिशियल में। तो आप सारे लोग कैसे हो, मैं आशा करता हूँ आप सारे लोग ठीक ही हो। सो गाइस, आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, ऐसे सपोर्ट करते रहना, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू स्मूथ स्किन वेरी इजीली टिप एंड ट्रिक्स, ठीक है। यानी कि आप अपना फेस को कैसे बहुत ही आसानी से स्मूथ कर सकते हैं और गोरा कर सकते हैं, बिल्कुल सीबी एडिटिंग की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मॉडल का फ़ोटो है हम उसको ले जाएंगे हमारा स्नैपशीट के एप्लीकेशन में। तो मैं जल्दी से स्नैपशीट के एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो हम लोग आ गए। सो आ जाने के बाद हमारा मॉडल का जो फ़ोटो है हम उसको ऐड करेंगे। सो हम लोग आ गए हमारा मॉडल का फ़ोटो को लेके। उसके बाद यहाँ पे लुक्स का एक दिखाई देगा आप सब लोगों को, लुक्स का एक सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा फिल्टर है, फिल्टर ही कैसे कहते हैं इसको, लास्ट एडिट, पोर्ट्रेट, स्मूथ, ठीक है। तो हम इसमें जो स्मूथ का यानी कि ये वाला जो फिल्टर है हम इसको ऐड करेंगे। सो हम इसके ऊपर क्लिक करने से देख लीजिए हमारा फ़ोटो क्या से क्या हो गया एक ही क्लिक में, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे डन। डन में करने के बाद यहाँ पे जो टूल्स का ऑप्शन है यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सिलेक्टिव का ऑप्शन है हम इसके करेंगे क्लिक। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा एक, देख लीजिए एक ऐड का आ रहा है सिंबल, ठीक है। हम इस पर करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद ये और एक बार यहाँ पे ऐड का हम इसको करेंगे ऐड, ठीक है। यहाँ पे करेंगे ऐड, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं ऐड। देख लीजिए ऐड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम लोग जाएंगे सेचुरेशन को थोड़ा माइनस करेंगे और बस हो गया। और एक बार ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। करने के बाद इसके ऊपर सेचुरेशन को माइनस करेंगे और एक ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे उसको। ऐड करने के बाद सेचुरेशन को माइनस करेंगे और एक यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें ब्राइटनेस को प्लस करेंगे, सेचुरेशन को माइनस करेंगे और स्ट्रक्चर जो है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओके। सो ओके हो जाने के बाद दोबारा जाएंगे टूल्स वाले सेक्शन में। टूल्स वाले सेक्शन में जाने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आएगा एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन, इसमें करेंगे क्लिक। सो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होगा। लोड हो जाने के बाद हम इसको यानी कि फेस स्मूथिंग जो है वो 30 है उसको हम 10 करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले से फेस बहुत ही स्मूथ हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे फेस स्पॉटलाइट को, उसको भी थोड़ा सा प्लस करेंगे, 10 करते हैं, 10 हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे आई क्लैरिटी को, इसको हर करेंगे हाई, ठीक है। हाई करने के बाद ओके। सो देख लीजिए फ़ोटो पहले कुछ ऐसा था, उसके बाद फ़ोटो ऐसा हो गया। और भी थोड़ा सा काम बाकी है और वो काम करेंगे हम एयर ब्रश जो एप्लीकेशन है उसमें। तो मैं जल्दी से हमारा फ़ोटो को एयर ब्रश में सेंड करता हूँ। सो हम लोग आ गए हैं हमारा एयर ब्रश के एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्मूथ का ऑप्शन है इसमें करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारा जो फेस है उसको थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे अच्छे से, ठीक है। सो हो गया। उसके बाद करेंगे डन। डन में जाने के बाद यहाँ पे एक एक्नी का टूल है, इसमें करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्नी है, यहाँ पे इसमें रिमूव करेंगे। जस्ट एक्नी के ऊपर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा उस जगह से, बहुत ही आसान है। सो जस्ट वहाँ पे टैप करना होगा और वो वहाँ से उठ जाएगा। तो देख लीजिए बहुत ही आसान है, ठीक है। नोज़ में एक दिखा था शायद, उसको भी रिमूव करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए। सो हो गया। उसके बाद करेंगे डन। डन में जाने के बाद यहाँ पे जो ब्राइटन का ऑप्शन है इसमें करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारा जातों में देख लीजिए थोड़ा थोड़ा पीला है, तो उसको वाइट करेंगे,
हो गया, उसके बाद करेंगे ओके। ओके करने के बाद आप अगर आप अपने फोटो को पिंक करना चाहते हो ठीक है मॉडल के तरह, तो वो कैसे कर सकते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। उसके लिए हमको जाना पड़िए स्किन टोन में, यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद कोई भी एक कलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद हम लोग फोटो में यानी कि फोटो में उसको सिलेक्ट करना होगा और इसको फुल कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ फोटो में ठीक है। तो देख लीजिए हो गया, तो हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं 5 रखता हूँ, 6 रखता हूँ ठीक है। उसके बाद करेंगे डन। तो देख लीजिए पहले फ़ोटो कुछ ऐसा था, उसके बाद फ़ोटो ऐसा हो गया ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो यही था मेरा आज का कॉन्सेप्ट, आप सब लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।